थी अध्याय 5 हास्यकरण की समझ। सामाजिक रूप से हास्य पर होने का मतलब क्या होता है? आप कॉपियों में जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाई ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं होता, उस पन्ने को हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति जिन चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेलों के मैदानों में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग और औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग अलग तरह का है, तो इस बात से गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपके व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे भी समूह समुदाय हो सकते हैं। इस तरह की बेदखली का एहसास होता रहता है। आपके हास्यकरण की वजह से यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हों, अलग रीति रिवाज अपनाते हों, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हों, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर मानने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हो। कई बार हाशिया समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशिया समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है जिसके पास जमीन, धन दौलत और जो कई ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि अगर हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जो आज भारत के सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है, आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेले दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही थी। अरे देखो आदिवासी कहनाओ दादू, वे आदिवासी को हमेशा नाचते गाते क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध, ज़्यादातर लोग कि इस बात का कुछ पता नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जानवरों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगल को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटते। वहाँ न तो हमें वकील मिलता और न ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे का भंडार है, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो हमें नौकरी पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरियों पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची।
हमें बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगे। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदारों से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे में मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और कुछ खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल से स्कूल नहीं भेज पाए हैं। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोल लेता हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उसे अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगा। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में से है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासी को सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह हैं। आदिवासी समाज औरों में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासी के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनमें धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की गाँव प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़े आत्माओं, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएँ हैं। वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास स्थान माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांवों की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंज में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों के भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्म का आसपास के साम्राज्य और प्रचलन प्रभुत्व सारी धर्मों पर भी असर पड़ा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। शायद आपने अनुसूचित जनजाति का शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समूह को एक सरकारी सूची बनाई जाती है। अनुसूचित जातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आपके शहर में या गाँव में समूह के हाशिए पर है, चर्चा करें। क्या आप अपने राज्य में किसी जनजातीय समुदाय का नाम बता सकते हैं? वह समुदाय कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या वे जंगल के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं?
ये परंपरागत पोशाक में सजे जाते जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासी को इसी रूप में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हम अपने गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। बंगाल और असम की शक्तियाँ एवं तांत्रिक परंपराएं इसी उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों को अपनी भाषा रही है, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत व बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में बांग्ला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकली, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों की एक खास तरह के पेश किया जा रहा है। स्कूल में, उत्सवों में, सरकारी कार्यक्रम में, किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने और किस्म के और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा है कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी, अयस्क, कोयले और हीरे की कीमती इमारतें, लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पादन, मोम लाख शहद और स्वयं जानवर हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार है, ये सभी जंगलों से ही मिले हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी का उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगल पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे अन्य राज्य संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उसे हाशाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते थे। वे असनांतर खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक ही स्थान पर खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन्य नीति और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बगानों, निर्माणों, अस्त्र उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन्य क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधा पहुँच है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया से अन्य इलाकों में, मॉरिशियस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम के उनके श्रम में बूते अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम 70 लाख आदिवासी है। असम में इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातायात, विरह और मौत की कहानियाँ रही है। 19वीं सदी में इन पलायनों का कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया आदिवासियों को आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत की बगानी पेश करते हैं। आओ मिनी असम चले। हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय बगान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है तुम्हारी खाल उधेर दूंगा। ये जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। बसु एन झारखंड कल्चर साइंस द्वारा छपी गई थी। इस कविता में क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है? आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे धातुएं कहां से हासिल होती है, क्या वहां आदिवासियों की आबादी है? ऐसे 5 उत्पादन बताइए जो जंगल से मिलते हैं, जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है? मकानों और रेलवे का निर्माण के लिए, इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन
भूमि का उपयोग, वन अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन, इन मांगों को जनजाति समुदाय किस तरह असर पड़ता है। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी की है। यह डोंगरिया कोन नामक आदिवासी समुदाय का इलाका न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और सोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समूह के विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोग इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती के उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीन गई है। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनिज परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में ले जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी है। उनकी बहुत सारी जमीन देश भरे बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क जो इतना वर्ग किलोमीटर और 543 वन्यजीव अभयारण्य जो इतना वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ऐसे क्षेत्र इलाके जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया। अगर इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अब अपने जीवन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समूह आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों से छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योग इमारतों, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन्य भूमि पर अपना अधिकार खो देते तो यह सारी ज्ञान समुदाय भी खत्म हो जाती है। या निर्माण स्थल पर बहुत ही मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इसी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासी के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और कुछ है जो हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गवा देते हैं जो उनकी जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने सब शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उसके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई एक में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को यह सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें से केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचने जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि आपने इकाई एक में पढ़ा कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुत संख्यक समुदाय के सांस्कृतिक
आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वनों के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों से अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए? वर्चस्व की आकांक्षा के बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आकांक्षा से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं का व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम कर रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझें। मुसलमान और हास्यकरण 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुसलमान समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर हम बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। मूलभूत सुविधाएं 9 के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नल का पानी इतना खपत है। इनमें से किस समुदाय का मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा और सबसे कम है? ये आखिर क्या बताते हैं? इस बात का ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के भिन्न संकेतकों को पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति के ने भारत मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हासिकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति के रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चों के अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय में बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हस्तीकरण में कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुरका, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं। अक्सर यही सोच के उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बनाया जाता है। मुसलमानों की इन सामाजिक हस्तीकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए वहाँ निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोइजेशन होने लगता है। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हस्तीकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमानता की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि हस्तीकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई बार की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और उन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना न तो हम उन विविधता की रक्षा कर पाएंगे, न हमारे देश की एक अनूठी छटा देती है जो न ही समानता के प्रति राज्य में प्रतिबद्धता को साकार कर पाएगी। निष्कर्ष: इस अध्याय में
हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया। इस समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह से महसूस भी कराता है। हमने यह स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम्स वुमेन्स राइट्स मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। देखा कि हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और हाशिए समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिएकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। कोई हमेशा एक तरह के से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोधों का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्ट बनाए रखना चाहता था और साथ ही अधिकारों और विकासों और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते थे। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों में हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया गया है। सच्चर समिति रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।